हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं कलेजी की, जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती है और बहुत चटपटी बनती है। तवा कलेजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कलेजी ली है आधा किलो, नमक लिया है हसबे ज़रूरत, अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। अब हम इसको बनाने चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन गरम होने रख दिया था। हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत झटपट बनती है फ्रेंड्स ये, हमारे घर में तो बहुत शौक से खाते हैं तवा कलेजी। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा हमें आपको ये चटपटी कलेजी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कलेजी का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे। इसे मीडियम आंच पे बनाइएगा। इस तरह बनाने से ये कड़क नहीं होती, आराम से बहुत नरम हो जाती है, नरम नरम बनती है। हमारी कलेजी का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे उतार लेंगे। अगर आपकी कलेजी पानी छोड़ दे तो आप उसको छान लीजिएगा। वैसे पानी छोड़ने नहीं दिएगा कि पानी छोड़ने लगे तो फटाफट इसे उतार लीजिएगा। ये कलेजी हमने निकाल ली थी, एक पैन में हमने ऑयल गरम होने के लिए रखा है। हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन हमारा थोड़ा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और कुटी हुई मिर्च, नमक, और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें अपनी जो हमने कलेजी निकाली थी वो ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक अब हम इसको ऐसे फ्राई करते रहेंगे। छोड़ना इसको बिल्कुल नहीं है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये कड़क हो जाएगी। ये देखिए हमारी कलेजी जो है वो रेडी हो गई है और बहुत अच्छी भुनी भुनी मज़ेदार कलेजी लग रही है ये। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटियों के साथ खाएं, जिसके साथ जी करे आपका खाएं, बहुत मज़े की बनती है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिश आउट कर ली है और ये कितने मज़े की देखने में लग रही है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है ये उतनी खाने में भी मज़े की होती है। हम आपको इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये देखें इस तरह ये कितनी नरम है, गर्म हो रही है ये थोड़ी सी, तो छुरी की मदद से तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखें बहुत नरम सी बनी है ये। इस तरह आप बनाइएगा, आपकी कलेजी कड़क भी नहीं होगी और बहुत अच्छी बनेगी। आप इसे ट्राई करके हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी कलेजी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी में दोबारा हाजिर होंगे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।